लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर द शेक ऑफ इलेक्शंस स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो मैंने आपको बताया था कि पूरी स्टेट छोटे छोटे एरियाज में, रीजन में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द रीजन इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। रजिस्टर्ड वोटर, जिनका नाम गवर्नमेंट के पास है, जो वोट दे सकते हैं, वो वोट देने जाते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, और तब वो क्या बन जाता है, एमएलए। एमएलए मींस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दीज एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये एमएलए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। अब एक लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग हैं, गोवा के में अलग मेंबर्स हैं, राजस्थान में अलग हैं, तो ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। और ये नंबर 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। इन एडिशन, इसके अलावा, इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड द गवर्नर कैन नॉमिनेट अ मेंबर। अगर इंडियन एंग्लो कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, मतलब फिर वो भेजता है, उसके लिए इलेक्शन नहीं होता। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द इलेक्शन इज सेट टू बी इन मेजोरिटी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो आधे से ज्यादा सीट्स जीत जाती है इलेक्शन में, वो अपनी उसको मेजोरिटी कहते हैं, उसकी मेजोरिटी हो जाती है और वही पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती है और उसे हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अभी उत्तर प्रदेश में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, 403 सीट्स थी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने 224 सीट्स जीती और वो रूलिंग पार्टी बनी। ये बात हो रही है 2012 असेंबली इलेक्शन की। उस समय पे एट टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी। कभी कभी एट टाइम्स एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, सो इट एलीज विद टू और मोर। एलीज मतलब दोस्त बना लेना, ये एग्रीमेंट कर लेते कि हम इकट्ठे आ जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज होती है, मतलब जिनकी अप्रोच, जो जिनकी थिंकिंग, जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, और ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट अभी इंडिया में भी सेंटर पे भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली है, लेकिन हम कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो एनडीए की है, मीन्स वो अलायंस कर लेते हैं। जैसे अब एनडीए है, एनडीए में बीजेपी भी है और आपका और भी पार्टीज हैं, और ऐसे की जो कांग्रेस और उसकी एलाइज है उसमें, उसको कहते हैं यूपीए, और बीजेपी और बीजेपी के साथ जो और पार्टीज है उसको हम कहते हैं एनडीए। तो ऐसे जो होती है ना गवर्नमेंट, उसको हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। अगर आप एट प्रेजेंट देखो, एट प्रेजेंट यूपी में सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो हमारी कोलिएशन गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस कांग्रेस की है, शिवसेना की है और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, ये तीन पार्टीज हैं जिनको मिलके मेजोरिटी मिली है, तो महाराष्ट्र में कोलिएशन गवर्नमेंट है। द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड टू असेंबलीज आर कॉल्ड अपोजिशन। अब ये इसकी क्या बात कर रहा है, इलेक्शन हुआ, सीट्स पूरी एमएलए का सारे मिलके विधान परिषद में गए, विधान सभा में गए, परिषद में नहीं विधानसभा में गए। अब जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो तो रूलिंग पार्टी हो गई, और जिस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी, यानी वो एमएलए जो पार्टी में नहीं है, रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करते, वो हो गए अपोजिशन। इन केस बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, यूपी में वैसे मेन दो पार्टीज ही है एसपी और बीएसपी, तो जो बीएसपी है वो अपोजिशन पार्टी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको 80 सीटें मिली। द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली हैज अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर। अब ये तो इसके हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इट डिसॉल्वड अर्लियर।
लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ऐसे समझो कि खत्म कर दिया जाता है। जैसे अब महाराष्ट्र का केस लो, एनसीपी कहती है कि मैं शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर रही, तो शिवसेना के पास मेजोरिटी खत्म हो जाएगी और महाराष्ट्र में उसकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ऐसे होता है 5 साल पहले अगर हो। ऑल द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर और इन द एब्सेंस बाय द डिप्टी स्पीकर। प्रिसाइडेड ओवर मतलब जो चेयर पे बैठता है ना, जो हर एक को टाइम अलॉट करता है, आप बोलो आप बोलो। अगर आपने देखा हो ये तो, जब बैठते हैं ना सब अपने क्वेश्चन रखते हैं और रूलिंग पार्टी को उसके आंसर देने पड़ते हैं, तो किसको कितना टाइम देना है, कब कौन बोलेगा, वो होता है स्पीकर। तो जो जो भी हाउसेज है, जो भी आपने दोनों हाउसेज पढ़े, इन सब की मीटिंग्स को कंट्रोल करता है स्पीकर। स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, गवर्नर जो भी पार्टी की मेजोरिटी पार्टी है उसका जो लीडर है उसको इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए। द एमएलए ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इलेक्टेड लीडर, एमएलए जो होते हैं जो चुन के गए हैं, वो अपनी पार्टी से जिस लीडर को इलेक्ट करते हैं वो बनता है चीफ मिनिस्टर। आफ्टर 212 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, एमएलए ऑफ समाज पार्टी चूज अखिलेश यादव एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। 2012 के जो इलेक्शन हुए थे यूपी में, समाजवादी पार्टी को उसमें मेजोरिटी मिली थी, तो समाजवादी के एमएलए जो थे उन्होंने अखिलेश यादव को अपना लीडर चुना और वही यूपी का चीफ मिनिस्टर बना। फिर चीफ मिनिस्टर ही पोर्टफोलियोज, दूसरे पोर्टफोलियोज जो होते हैं अपने मिनिस्टर को देता है। पोर्टफोलियोज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तरह की, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, वो जीते हुए एमएलए में से ही चीफ मिनिस्टर उनको चुनता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, ऐसे सारे अलग अलग डिपार्टमेंट। द मिनिस्टर हु हेड वेरियस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ। द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट एफिशियंटली। तो अब इसमें क्या है, जो सबको एलोकेट कर दिया पोर्टफोलियोज, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, ये सब भी देखा जाता है। मिनिस्टर्स जो हेड होते हैं, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, वही रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में और वही लॉ बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इन्हीं पे डिपेंड करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। यानी अगर ये नेता अपना काम अच्छे से करेंगे तो यानी गवर्नमेंट अच्छी है, और अगर ये अपना काम नेग्लेक्ट करेंगे तो लोग अगले साल इनको वोट ही नहीं देते, फिर दूसरी पार्टी को वो वोट देते हैं। गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का और उसे 5 साल के लिए अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट। He is the representative of the central government and oversees the working of the state government. अब जो गवर्नर को नियुक्त करते हैं, जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करके भेजती है अलग अलग स्टेट्स में, और गवर्नर का काम होता है ये देखना कि जिस स्टेट का वो गवर्नर है वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है।